ये नाम ही मेरे फादर ने ऐसा रख दिया। तो हमारी एक वहाँ पर मिल हुआ करती थी पाकिस्तान में, जो कोशिश यही की जा रही थी कि ये मिल स्टार्ट होगी तो इसी नाम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तब वो मिल नहीं बन पाई। उसके बाद उन्होंने नाम मेरा चेंज भी नहीं किया, उनके दिमाग में यही था कि मैं इसी नाम से मिल चलाऊंगा कॉटन की। एक्चुअली हमारा बिजनेस भी कॉटन मिल का था पाकिस्तान के अंदर ही, और एक नहीं तीन तीन चार चार मिली थी हमारे पास, जो आज हमारे कुछ भी नहीं उसके अगेंस्ट। मैंने ये एक बिजनेस 1960 से शुरू किया, और इसको स्टार्ट में कोई इतनी ज़्यादा कार ऐसी भी नहीं हुआ करते थे, डोमेस्टिक ऐसी भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती थी, फिर भी गुजार करने के लिए हम ये काम भी करते थे। और शुरू से ही मैंने वर्कशॉप में रहने की कोशिश की, जिससे वजह से मैं आज इतना बड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ कि मैं 100-150-200 गाड़ी भी आराम से बना लेते, 20-30 कार्स। और स्टार्ट करने के बाद ये फिर ऐसा था, जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास गाड़ियाँ नहीं आती गई, और कुछ उन्होंने मार्केट में नई गाड़ी मिली जिसमें कुछ एसी आए कुछ नॉन एसी, उनमें एसी लगनी शुरू हुई, तो ये डिमांड बढ़ती चली गई। अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो 15-20 लाख एसी होना मामूली बात है। डिमांड ज़्यादा आई वो आई 72-73, और कुछ डिमांड बढ़ गई जब मारुति लॉन्च की उन्होंने 84 में, उस वजह से जो नॉन एसी गाड़ी निकली, और कुछ एचएम ने भी अपने मॉडल चेंज किए, अच्छी गाड़ी अच्छे इंजन बनाए, जिसकी वजह से एसी लगनी शुरू हुआ। फिर ये डॉक्टर कपलर लगा के इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, उसके बाद ये हाई साइड जो कंडेंसर है, हाई साइड पाइप्स हैं, इसके ऊपर भी ये सेम इसको लगा के इसको क्लॉकवाइज पुल कर दीजिए। इसके बाद हम इसको रिकवरी यूज़ करेंगे। इसके बाद ये जैसे हमने इसको लो साइड प्रेशर ले लिया, सबसे पता लगे गैस इसकी लो है और ये हाई साइड चल के लिए ये भी लो है, तो इसको हम इसको अब इसका रिकवरी यूज़ करेंगे। अभी इसने 236 ग्राम गैस को रिकवर किया है इसने, और ये फिल्ट्रेशन हो गया। अब इसको इसके बाद हम रिकवरी वैक्यूम यूज़ करेंगे। इस वैक्यूम के लिए मुझे स्टॉपर वैक्यूम ऑपरेशन। अब ये 10 मिनट्स के लिए वैक्यूम स्टार्ट हो गया। अब सारी इसके अंदर की जो गैसें जो ऑयल है वेस्ट ऑयल है उसको भी बाहर निकाल लेगा, उसको भी क्लीन करेगा, वो वेस्ट ऑयल भी निकाल देंगे और नया उसके बाद फ्रेश ऑयल भी डालेंगे। अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस इसके बाद करना होगा, उसमें ऑयल चार्ज करेंगे जो कंप्रेसर में, और थोड़ा जो ऑयल इसमें क्वान्टिटी देंगे उसको पश भी करना जरूरी है। अब इसको 2 मिनट के लिए फिर इसको वैक्यूम स्टार्ट कर लेंगे। अब इसको हम ऑफ कर लेंगे और ऑयल चार्ज कर लेंगे, उसके बाद गैस फिलिंग के लिए गैस का वो बटन दबाएंगे और इसे क्वांटिटी सेट करेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं इसमें भी अब इसमें 375 गैस चार्ज करेंगे। 375 रीडिंग आ गई, अब इसको ऑपरेट करेंगे और शायद गैस इसमें स्लो स्लो जानी शुरू हो गई। अभी तो मैंशन हो रहा है कि अभी 19 ग्राम 19-10 ग्राम अब जीरो हो गया, अब 375 ग्राम गैस इसमें चार्ज होगा। अब इसको जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते ही इसका जो ब्लोर है उसको हम फुल पे कर लेंगे, और फुल करने बाद ए सी कंप्रेसर को प्रेस कर लेंगे, इसी कंप्रेस स्टार्ट हो जाएगा। अब रीडिंग अभी गैस सोच हो सेट हो गई।
गैस के हिसाब से ही बिल्कुल ये कंपनसेशन जो बैक प्रेशर 26-30 जो चल रहा है ये एक्यूरेट हो गया, उसके हेड प्रेशर भी इसमें नॉर्मल चला गया, हेड प्रेशर भी 210 के आसपास से लगाई है डिपेंडिंग उसके वेदर के ऊपर है। इसमें ये इसका प्रेशर सेट हो गया और इसमें शील्डिंग भी आ गई, इसमें सेक्शन भी पूरा हो गया, अब वाल्व को ऑपरेट भी कर सकते हैं और ये जो हाई प्रेशर है वो भी नॉर्मल चला गया। अब इसमें स्टोरी थोड़ी ऑफ कर लेंगे, पहले हम हाई प्रेशर ऑफ करेंगे उसके बाद सेक्शन साइड वाले को भी ऑफ कर लेना चाहिए और अब गैस पूरी पहुँच गई इसमें और चिलिंग भी आ गई। फिर भी हम इसको भी अंदर से चेक करेंगे, गाड़ी के अंदर जाकर देखेंगे अभी कि कूलिंग कैसी आई है। अब इसको रिलीज भी कर देंगे इसको और अभी सेक्शन को निकाल दिया और इसको कर दिया, इसको ऐसे ही हेड प्रेशर साइड में खोल लिया, उसको कंप्लीट रिलीज कर दिया और उसके बाद सेफ्टी के साथ ऐसा ऐसे इसको प्लग टाइट कर देंगे जिससे गैस बाहर न निकल सके और इसको बंद भी कर लिया इसको और इसमें कुछ और इसको अंदर से और देख लेंगे। सिंपली ये इस प्रेशर गेज जिसे हाई साइड चेक किया जाता है, ये कंपाउंड गेज जिसे बैक प्रेशर चेक कर सकते हैं हम कितनी गैस रनिंग में आ रही है। ये हाईली वैक्यूम मीटर्स है और इसकी भी सेटिंग है इसके अंदर कि आप इसको इसके साथ साथ काम कर सकते हैं इसके ऊपर भी, जब तक पूरा वैक्यूम नहीं होगा तो गैस रिफिल नहीं हो सकती है। ये मैनुअली है, वो ऑटोमेटिक मशीन है। ये देखिए ये जो वेल्व होल्ड है ये वो सिंपली ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती इसकी, वो इसी से हम मैनुअली गैस डाल सकते हैं। हाई प्रेशर चेक करने के लिए इसमें रेड है, जिसमें रेड लाइन है, जिनमें ब्लू लाइन है वो बैक प्रेशर चेक करने के लिए सेक्शन, और ये मेन सप्लाई जिससे हम गैस को फिलिंग करते हैं। इस तरह से ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, रिकवरी मशीन जिससे हम गैस फिलिंग भी करते हैं और गैस को रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स करके उसको फिल्टर करने के बाद दोबारा गैस को चार्ज कर सकते हैं और ऑयल भी इसी से चार्ज कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली चार्ज भी कर लेता है। और इसमें ऑटो सिस्टम भी है कि अगर आप कुछ भी पेंटिंग करना चाहें तो सिर्फ आप गैस फिलिंग ऑटो प्रेस कर लीजिए, उसको ऑपरेशन देंगे तो ये ऑटोमेटिकली गैस भी डाल देगा और ऑयल भी डाल देगा। कि मेन इसमें इस गैस से नाइट्रोजन से ही हम इसको प्रेशरिंग करते हैं पूरे सिस्टम की, जिनमें कंप्रेसर्स ख़राब हो जाते हैं, कंसर ख़राब हो जाते हैं, उनको साफ़ करना पड़ता है तो हम नाइट्रोजन से करते हैं। नाइट्रोजन में कोई मॉइस्चर नहीं होता, ये मॉइस्चरलेस होती है और ये प्लांट मैंने अपने नॉर्मल एयर को कन्वर्ट करके लगाया इसको और इसमें जो नाइट्रोजन जो बनती है प्रोड्यूस भी होती है वो 99% होती है और इससे फायदा यही हो जाता है कि सिस्टम में कहीं भी गंद नहीं रहता, अंदर से आप उसको पूरा निकाल लेते हैं। वैसे नॉर्मली अगर नॉर्मल एयर से निकालें तो वो नहीं निकल पाता। अभी देखिए अभी जो ग्रीन लाइट आ गई, अभी इसे नाइट्रोजन बनाना शुरू कर दिया, इसी नाइट्रोजन को सिस्टम में अटैच कर देते हैं जिससे वो सिस्टम को क्लीन कर लेते हैं और हाई प्रेशर देकर ये चेक कर सकते हैं कि माइनर लीकेज भी है, पॉइंट बता सकता है, तो इसमें मॉइस्चर नहीं होता। जब तक 99% नहीं आ जाती तब तक इसको यूज़ भी नहीं किया जाता। ये आवाज़ भी आती है, ये जो एक्सेस होती है गंदी गैस उसको निकाल देते हैं। जब तक इसमें रेड है तब तक आप इस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते जब तक ग्रीन नहीं आ जाए। अब इसमें ये जो यूज़ ऑयल लिखा हुआ है, इसको यूज़ लिख भी दिया है, जो कंप्रेसर में खराब ऑयल है वो उसको रिवर्स करके वो इस बटन में ले आएगा जब इसकी रिकवरी लगाते हैं। इस पैगर जो लिखा है ये इसी के लिए है कि जब इसमें जो जब ये ऑयल वापस आ गया, जितनी क्वान्टिटी वापस आए तब भी हम एवरी टाइम इसमें 20-30 ग्राम्स गैस को ऑयल को फिल करना होता है। ये फ्रेश ऑयल, ये यूज ऑयल। अब इसके अंदर ये इससे हम जब ऑयल चार्ज करना चाहेंगे इसमें सेक्शन में लगा कर इसको रिकवरी को मशीन ऑफ करने के बाद सीधा इसको कमांड दे दीजिए, उसका पैजाल दबाइए और उसमें और ऑयल चार्ज हो जाएगा, वो इस नया आदमी से ले लेगा। ये नया ऑयल है, ये भी यूज़ ऑयल है, इसका ये गैस पूरा हो गया। अब इसको मैं इसे निकालता हूँ, इसको हटा के अब इसको बंद करता हूँ, बंद करने के लिए इसको मैंने ये इसको बंद कर रहा हूँ, बंद कर गाड़ी को बाहर निकाल रहा हूँ।
जो इंडिया गवर्नमेंट भी अभी अलाउ कर रही है वो भी सेम यही है कि वो एलएनजी और ये सीएनजी दोनों यही सेम गैसेज हैं। एलएनजी ये उसमें लिक्विड में है और सीएनजी उसमें गैस फॉर्म में है। पहले हम गैस यूज़ करते थे फ्री ऑन 12 R12, और वो R12 जब से बंद हुई उसके बाद से नई गैस आ गई फ्रेंडली गैस 134A। अब इस टाइम में 134A गाड़ी भी क्या थी, गाड़ी होती थी सिर्फ आपकी फीएट एम्बेसडर और गाड़ी थी नहीं। अब तो उस टाइम से देखा जाए तो 100 टाइप्स की गाड़ी निकल आई, जिसकी बहुत बड़ी डिमांड भी आई और पब्लिक भी ज़्यादा हुई। कस्टमर्स मेनली देवी प्यारलाल एंड सन्स, राष्ट्रीय भवन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री होम अफेयर। 89 में जब हम लोगों ने बायोगैस को अपनी मारुति में यूज किया तो उस टाइम उन्होंने रिकॉर्डिंग भी किया उसकी। उस रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे दूरदर्शन में भी दिखाया उन्होंने। अभी एक लास्ट है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम पानी में से हाइड्रोजन निकाल सकें। अगर निकल आती है तो हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन गाड़ी के लिए निकालेंगे जो बिना फ्यूल के स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 450 नाम की गैस है 134A, इसको भी हम गैस में डाल सकते हैं मैनुअली। और इसको लगाने से पहले इसको इस वाल को पूरा ऑफ कर लेंगे और इसमें इस तरह से इसको फिट किया। फिट करने के बाद इसको आप लॉक कर लीजिए। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया, इस लाइट को इसमें अटैच कर दीजिए। अब इसमें अटैच कर दिया हमने मैनिफोल्ड के अंदर, इसको टाइट कर लीजिए और इससे हमने इसको रखे, इसको वैक्यूम कर दिया। अब इसको जैसे ही कर लिया उसको गैस कर देंगे जब पर्च हो जाएगा। अब इसके लिए गैस तैयार हो गई, आप इसको ओपन कर सकते हैं इजीली। ये इस वॉल भी दिया हुआ है, इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन कर देंगे हो जाएगा। अब इसको इस रूप में रखिए जब तक पूरा वैक्यूम नहीं हो जाता, और इसमें 5 से 7 मिनट वैक्यूम करने लगेंगे इसमें। और इसको तब तक इसमें जैसे आप इसको ओपन नहीं करेंगे तो इसको हिलाते रहें जिससे गैस पूरी इसमें से निकल जाए। ये गैस इसे शेक करते रहेंगे, जब ये बिल्कुल हल्का हल्का महसूस हो रहा है तो ये खाली होने पर आ जाएगा। जैसे ये खाली हो जाएगा तो वो इसी के अंदर गैस एंटर कर जाएगी। मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज जैसे कंप्रेसर बना है, इस कंप्रेसर को हम फीएट में, एम्बेसडर में और कुछ गाड़ी में लगा सकते हैं डिजाइन करके, और इससे अच्छा कंप्रेसर तो कुछ बना भी नहीं।